नमस्कार बच्चों, मैं आरती दफ्तरी राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर की हिंदी आचार्य। आज हम कक्षा 4 का पाठ पढ़ेंगे, राम और सबरी। राम, जैसे कि आप जानते हैं, भगवान राम और सबरी उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। तो इस पाठ में हम राम और सबरी के बारे में जानेंगे कि जंगल में सबरी ने राम की सेवा किस तरह से की थी, उनका स्वागत किस तरह से किया था। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। है कि जंगल में खर और दूषण का अंत हो गया है। सबरी कहती है कि हाँ, मैंने भी सुना दोनों राक्षस मारे गए। तब सबर बताता है कि हाँ, राम ने ही तो उन्हें मारा है। सबरी कहती है कि पंचवटी का संकट दूर हो गया, सब तो राम की जय जयकार कर रहे होंगे। सबर, हाँ माँ, सभी राम की जय कर रहे हैं, पर फिर भी वे दुखी हैं। सबरी, अब क्या हुआ, कौन सी विपत्ति आ पड़ी, राम तो बड़े वीर हैं। सबर उनको बताता है कि माँ, रावण छल से जानकी का हरण करके ले गया है। छल मतलब धोखे से, और हरण मतलब उठाकर या चुरा कर ले जाना। हम उनकी सहायता भी नहीं कर सके। सबरी, रावण आया था और जानकी को उठाकर ले गया। रावण सबको सताता है, इस बार तो उसने स्त्री को सताया जो उसे महंगा पड़ेगा, अर्थात उसका अंत निकट है। सबर, हाँ माँ, राम और लक्ष्मण जानकी को खोजते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। सबरी खुश होती है सुनकर कि रामचंद्र जी जंगल की तरफ आ रहे हैं, उसकी झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं। जंगल के त्राता आ रहे हैं, त्राता मतलब रक्षक या भगवान। एक साधु ने कहा भी था कि राम जब इधर आएंगे, उनके दर्शन करके हम सभी धन्य हो जाएंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी। सबर कहता है, हाँ माँ, यही तो मैं संदेश देने आया हूँ। आप शिव और विष्णु की पूजा करती हैं और राम में विष्णु को देखती हैं। बच्चों, आपको पता है कि भगवान राम जो थे वो विष्णु के ही अवतार थे। रावण का वध करने के लिए ही उनने राम का रूप धारण किया था, मनुष्य के रूप में। तब सबरी उससे कहती है कि जाओ बेटा और जंगल में सबको बताकर आओ कि रामचंद्र जी आ रहे हैं। हाँ माँ, मैं सबको बता देता हूँ। अब थोड़ी देर बाद सबरी जब राम के स्वागत के लिए अपनी झोपड़ी के चारों तरफ साफ सफाई करती है और बेर का टोकरी में देखती है कि भगवान राम को खिलाने के लिए जो बेर रखे हैं उसमें कुछ सड़े हुए भी हैं, इनको चुन लेना चाहिए और अच्छे अच्छे बेर रखकर राम को खिलाऊंगी। तभी एक छोटी बच्ची आती और कहती है कि दादी माँ, आप क्या कर रहे हो। मैं बताती है कि मैं बेरों को चुन रही हूँ, राम का जाप भी करूँगी और बेर भी चुनूँगी। तब बालिका या छोटी बच्ची जो है वो कहती है कि दादी माँ, मैं आपकी मदद करती हूँ। सबरी कहती है, नहीं नहीं, वो तो मैं ही चुनूंगी, तुम खाली बैठ के देखो और सीखो कि कैसे काम किया जाता है। बच्ची उनके साथ बैठ के देखती है और उनकी मदद करती है। तभी सबरी मन में सोचती है कि सड़े बेर तो अलग हो गए, अब इनमें से मीठे बेरों को भी तो चुनना है, राम को मैं मीठे बेर खिलाऊंगी। यह सोचकर वह बेरों को चखना शुरू कर देती है। वह छोटी बच्ची देखती है और फिर बोलती है कि दादी माँ, ऐसे तो आप बेरों को झूठा कर रहे हैं। सबरी उसको बोलती है, नहीं, मैं झूठा नहीं कर रही हूँ पगली, मीठे बेरों को चुन रही हूँ। तो बच्ची बोलती है कि ऐसे चुना जाता है। सबरी, हाँ, मैं अपने राम के लिए तो ऐसे ही चुनूंगी। बालिका, राम दोनों अद्भुत हैं। फिर थोड़ी देर बाद राम झोपड़ी की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। सबरी दरवाजे पर आकर उनका स्वागत करती है। राम भी कुछ समय के लिए सीता हरण की पीड़ा या दुख को भूल जाते हैं। सबरी कहती है, मेरे राम दर्शन हो। राम, हाँ मैं आ गया सबरी, मुझे मालूम था कि रावण के अत्याचार से सभी वन में त्राही त्राही कर रहे हैं, मतलब रावण ने बहुत आतंक मचा रखा, सब परेशान है उससे और सब रक्षा करने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तब तुम बहुत साहसी हो और दूसरों को साहस भी देती हो,
सबरी, हाँ हम लोग जंगल के छोटे माने जाते हैं राम, पर हमारा हृदय छोटा नहीं है, हमारा व्यवहार भी खराब नहीं है राम। हाँ मैं जानता हूँ सबरी, तभी तो तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। धरती माँ के पुत्र और भगवान की भक्ति करने वाले लोग कभी छोटे नहीं होते, बल्कि छोटे कौन होते हैं? जो दूसरों को सताते हैं या दूसरों को छोटा समझते हैं। अर्थात हमें कभी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए और दूसरों को सताना भी नहीं चाहिए। सबरी राम को प्रणाम करती उनके चरणों में झुकती है। रामचंद्र जी भी सीता हरण के दुख को भूल कर सबरी के स्वागत को स्वीकार करते हैं और प्रसन्न दिखते हैं। सबरी, राम मेरे मीठे बेर खाओगे? मेरे सत्कार को या मेरे आदर को आप स्वीकार करोगे? राम, हाँ सबरी मैं मीठे बेर खाने आया हूँ, चलते चलते थक गया हूँ। सबरी, राम ने जीवन में थकना या हारना नहीं सीखा, वह जानता ही नहीं क्या होता है थकना और हारना। आप तो हमको या हम सभी लोगों को ये भाव सिखाने आए हैं कि जीवन में कभी थकना नहीं चाहिए। राम, हाँ सबरी अब बेर तो खिलाओ। लक्ष्मण भी बेर खाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, ललक रहे हैं, मतलब बहुत उतावले हो रहे हैं। सबरी टोकरी में से बेर निकालती है और राम को देती है। राम, ये लो बहुत मीठे हैं, मैंने चख लिए हैं, सिर्फ आपके लिए चुनकर रखे हैं। राम मीठे बेरों को खाते हुए, बहुत मीठा है सबरी, लो लक्ष्मण। लक्ष्मण जैसे ही मीठे बेर जूठे बेरों को देखता है, वह मना कर देते हैं और कहते हैं भैया आप ही खाओ, मैं बाद में खा लूँगा। राम, हाँ मैं तो पेट भर के खाऊँगा। सबरी बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी तपस्या पूरी हो गई राम। इस तरह से हमने जाना कि सबरी के द्वारा जूठे बेर खिलाकर भी राम का स्वागत किया और राम ने उनके स्वागत सत्कार को, उनकी सेवा को पूरे आदर के साथ स्वीकार किया। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती बच्चों, कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनसे खुश रहते हैं।